हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार। यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। हेयर क्वेश्चन नंबर 59 इज गिवन एज यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, आई विल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाई यूनिंग। ये यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 इज यूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिए गए सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है। सेंटेंस है द ऑडियंस डैश द स्पीकर, तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा टर्नड आउट, 60 के लिए यहाँ पर टर्नड आउट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि टर्नड आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। इसका मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, बाहर निकाल देना या बाहर निकालना, इसका हर अर्थ होता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंट्रोगेटिव, डज ही रन ए होटल इन दिल्ली। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव बताना है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, ही रन ए होटल इन दिल्ली। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड बिगिन विद ही वॉज टायर्ड एनफ। यहाँ पर आपको ही वॉज टायर्ड एनफ से सेंटेंस को स्टार्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो 62 के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड एनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 इज टू स्मोक सिगरेट्स इज इंजरियस ऑफ हेल्थ बिगिन विद इट इज़। यहाँ पर इस सेंटेंस को इट इज़ से आपको स्टार्ट करना है। तो 63 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 इज ही डज नॉट वर्क मच इन द सेंटेंस इज़ यूज। यहाँ पर आपको बताना है कि मच का यूज़ किस रूप में हुआ है, ये क्या यहाँ पर शो करता है। तो 64 के लिए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, टू मॉडिफाई वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 65, वी आर विजिटिंग अ सैटेलाइट टाउन, इसका आपको यहाँ पर सेंस बताना है कि सैटेलाइट टाउन का क्या मतलब होता है। 65 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ए टाउन इकोनॉमिकली आर अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द करेक्ट जीरंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हेयर। यस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज फॉलोज। 66 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्टिक हैड लुक्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोज सिग्निफाइंग, लिटरेचर पर बेस्ड है ये मिथ वर्ड, जो ग्रीक के मेथोस से आया है, ये क्या सिग्निफाई करता है आपको बताना है। तो ये सिग्निफाई करता है स्टोरी और प्लॉट, ट्रू आर इन्वेंटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, गाल्सवर्दी क्या है ये आपको बताना है। तो गाल्सवर्दी इज अ रियलिस्टिक बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 69, द यूबीसेंट मोटिफ मीन्स, ये जो है लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग आपको यहाँ बताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा, द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस। इसका आंसर आपको करना है, 70 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रीसेंट क्रिटिसिज्म, इसके लिए सही ऑप्शन आपको बताना है, इसका क्या आंसर होगा 71 का। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन। तो ये इसका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई, पैथेटिक फैलेसी किसके द्वारा आविष्कृत किया गया था ये आपको बताना है। 72 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में, जॉन रस्किन इन 1856, जॉन रस्किन ने इसको इन्वेंट किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
और इसको किया था 1856 में इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, इन मेट्रिक मोमेंट एंजाममेंट मीन्स, इसकी मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है एंजाममेंट की, तो 73 के लिए यहाँ पर हो जाएगा जम्पिंग थॉट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 इज एज फॉलोज, यस क्वेश्चन नंबर 74 इसमें दिया गया है, दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, इसका आंसर आपको करना है 74 के लिए, यहाँ पर हो जाएगा पैराडाइज रिगेंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ये जो है थियोलॉजिकल ट्रीटीज है जो इंग्लिश पोएट और थिंकर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडाप्टेशन ऑफ द लैटिन कॉमेडी विच इज, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है लैटिन कॉमेडी से लिया गया है, तो ये कौन सी लैटिन कॉमेडी से लिया गया है आपको बताना है 75 के लिए, यहाँ पर हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 to 80 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू पैसिव वाइस, दिए गए सेंटेंस को आपको पैसिव वाइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, इसका आपको पैसिव वाइस बताना है, तो 76 के लिए यहाँ पर हो जाएगा पैसिव वाइस इसका, ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल हैज़ बीन मेड, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पोलिटिकल लीडर्स, इसका पैसिव वाइस आपको बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा द पोलिटिकल लीडर्स वर बींग इंटरव्यूड बाई द रिपोर्टर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, इंडिया इज इन्वॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन, इसका पैसिव वाइस आपको बताना है, तो 78 के लिए यहाँ पर हो जाएगा पैसिव वाइस, यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है, ए न्यू प्लान इज बींग इन्वॉल्व बाई इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, इसका आपको पैसिव वाइस बताना है, तो 79 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर जो है ये सही है, द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 इज एज फॉलोज, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 इज एज, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, इसका भी आपको पैसिव वाइस बताना है, 80 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट द दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 to 85 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, यहाँ पर एक डायरेक्ट नरेशन है, एन टोल्ड माय ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो 81 के लिए यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, एन टोल्ड माय ब्रदर दैट शी वुड मीट हिम इन हिज क्लास, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, यहाँ पर भी आपको नरेशन चेंज करनी है, आर यू रेडी राजू मदर आस्क्ड, इसका आपको जो है इनडायरेक्ट बताना है, तो 82 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, मदर आस्क्ड राजू इफ ही वाज रेडी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, ऑल राइट एस आई वाज रॉन्ग एंड यू वर राइट ही सेड, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है 83 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ही एडमिटेड दैट ही हैड बीन रॉन्ग एंड आई हैड बीन राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है 84 के लिए, यहाँ पर हो जाएगा सी अपोलोगाइज्ड एंड एडिट दैट शी वाज रॉन्ग सी हैड नॉट रिटन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, यहाँ पे द विजिटर सेड टू देम प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका इनडायरेक्ट बताना है 85 के लिए हो जाएगा, द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इज एज फॉलोज, क्वेश्चन नंबर 86 to 90 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी, अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर आपका डी होगा। सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है 86, द हायर यू गो द कूलर
यू विल फील बिकॉज इट इज़ नेचुरल फिनोमिना। इसमें एरर पार्ट आपको बताना है 86 के लिए। यहाँ पर सी पार्ट जो इज नेचुरल फिनोमिना है, यहाँ पर कमी है 86 क्वेश्चन में। क्यों कमी है? क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना है, यहाँ पर नेचुरल फिनोमिनन का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि फिनोमिना जो यहाँ पर फिनोमिनन दिया गया है, ये फिनोमिनन ये सिंगुलर नंबर होता है, इसका जो प्लूरल होता है फिनोमिना होता है। घटना के लिए यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका सी पार्ट जो है यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग, नो एरर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, क्योंकि माइल्स लिखा नहीं जाता है, चाहे वो 1, 2, 3 किसी भी नंबर में हो, माइल ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो आपको बताना है। 88 के लिए यहाँ पर एरर पार्ट हो जाएगा सी में। सी में एरर पार्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दियर की जगह पर इट्स जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर दियर होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन की तरह होता है, तो इसलिए इट्स के स्थान पर ये दियर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 89 इज़ द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैड कैरीड नो लेस दैन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वॉयज। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है। तो 89 के लिए यहाँ पर एरर पार्ट बी में है। बी में क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नो लेस के स्थान पर नो फीवर का यूज़ होना चाहिए, ये जो नो लेस दिया गया है, क्योंकि ये जो है मात्रावाचक होता है, यहाँ संख्यावाचक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है फीवर का प्रयोग होगा, नो फीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर टीजी इंग्लिश प्रिपरेशन, इफ़ यू सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 90 इज़, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज़ अ म्यूजिशियन। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है। तो 90 के लिए यहाँ एरर पार्ट जो है वो बी में है। यहाँ बी पार्ट जो दिया गया है, नॉर ही इज, तो नॉर इज ही होना चाहिए यहाँ पर मेरे हिसाब से, नॉर इज ही का प्रयोग, क्योंकि पहला जो क्लॉज यहाँ पर दिया गया है पर मेटी में है, और इसी प्रकार से भाव क्लॉज में होता है, तो सो आरंभ करने के लिए क्लॉज में इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इन्वर्जन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।